ओके फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग द क्वेश्चन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8 लेस देन द डिनोमिनेटर मीन्स फ्रैक्शन की बात हो रही है फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इसमें बोला है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से भी 8 लेस है 8 लेस देन द डिनोमिनेटर मतलब जितना डिनोमिनेटर है उससे भी 8 और लेस कर दीजिए तो वो आपका बन जाता है डिनोमिनेटर ठीक है अब सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर पता होना चाहिए किसी डिनोमिनेटर में से भी 8 लेस करने के लिए आपको डिनोमिनेटर पता होना चाहिए लेकिन आपको यहाँ डिनोमिनेटर भी नहीं मालूम है सो लेट्स राइट लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स राइट अब यहाँ डिनोमिनेटर की जगह हम क्या लिख देते हैं एक्स तो न्यूमिनेटर कितना हो गया एक्स माइनस 8 ठीक है एक आप वैल्यू डालिए दूसरे अननोन की अपने आप वैल्यू बन जाती है एंड न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 अब इन्होंने क्या कहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मींस ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो मैं पहले न्यूमरेटर लिख देती हूँ न्यूमरेटर क्या है मेरा एक्स माइनस 8 एंड दिस इज डिनोमिनेटर इज एक्स हम जो फ्रैक्शन लिखते हैं चलिए यहाँ पर फ्रैक्शन लिखकर स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन क्या है आपका फ्रैक्शन मतलब क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या है आपका एक्स माइनस 8 एंड डिनोमिनेटर क्या है आपका एक्स तो ये आपका फ्रैक्शन तैयार हो गया ठीक है अब इन्होंने कहा है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 अगर न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज कर दिया जाए इंक्रीज के लिए जो साइन यूज होगा वो होगा प्लस का ठीक है वो होगा प्लस का साइन तो अब न्यूमरेटर में हमें क्या करना है 17 प्लस कर देना यहां पर हम प्लस 17 कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से क्या करना है डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 डिक्रीज मींस माइनस डिक्रीज के लिए माइनस का साइन द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 अगर मैं न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में से 1 सबट्रैक्ट कर दूं द न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेंड इज 3/2 अब जो नया फ्रैक्शन बनेगा दैट इज इक्वल टू 3/2 ठीक है फ्रैक्शन जो लीनियर इक्वेशन है उनको कैसे सॉल्व करना है हम पहले 3 एक्सरसाइज में देख चुके हैं अब हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है और उन सॉल्यूशंस को देखना है कि हमने किस तरीके से किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व करेंगे माइनस 8 प्लस 17 इज प्लस 9 और ठीक है तो आप 9 प्लस कर दीजिए इसमें और उसके बाद होगा सॉरी डिनोमिनेटर देख लेते हैं एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस में देखा था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ठीक है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने x प्लस 9 को एंड 3 से मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 को ब्रैकेट्स को ओपन करें 2x प्लस 2 9 जा 18 3x माइनस 3 ब्रैकेट्स ओपन करते वक्त जो मैंने मेन मिस्टेक बताई थी वो करनी नहीं है 18 माइनस 3 को यहाँ ले आइए प्लस 3 3x 2x को यहाँ ले आइए माइनस 2x 18 प्लस 3 21 एंड 3 माइनस 2 इज 1 तो x की वैल्यू हमारी निकल गई और x क्या है डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर में क्या आएगा 21 देयरफॉर डिनोमिनेटर हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर ही देखा था डिनोमिनेटर क्या है हमारा x और x की वैल्यू कितनी है 21 एंड न्यूमरेटर क्या है न्यूमरेटर जो है हमारा वो है x माइनस 8 x की वैल्यू 21 माइनस 8 कितना आ गया 13
एक्स की वैल्यू कितनी आई, सॉरी न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आई, 13। अब हमारे जो फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है आपका 13, डिनोमिनेटर है 21, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो है 13 अपॉन 21।